तो आज हम दोबारा से आ गए माइनक्राफ्ट मैप के लिए एक और मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि आप कैसे बना सकते हैं एक सिंपल एंड इजी लेदर फार्म। ये एक लेदर फार्म ही नहीं है, ये एक लेदर फार्म के साथ साथ कोक बीफ फार्म भी है जो कि आपको फूड भी देने वाला है एंड बहुत अच्छी क्वान्टिटी में भी देने वाला है। एंड इसे बनाना भी बहुत आसान है एंड ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो आज की वीडियो में आपको उसका फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो चलो फिर बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब भी कर दो। सबसे पहले बात करते बनाने के लिए आपको क्या क्या सामान लगेगा। तो इसे बनाने के लिए आपको ये सारा सामान लगेगा, तो आप इसे कलेक्ट कर लेना एंड फिर आप इसे ईजिली बना सकते हो। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक 5x5 का एरिया ले लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 5 है एंड यहाँ से भी अगर मैं काउंट करूँ तो ये 2, 3, 4 एंड ये 5 ब्लॉक है। ऐसे आपको 5x5 का एक एरिया बना लेना है। 5x5 का एरिया बनाने के बाद आपको करना है, आपको देख सकते हैं मेरे को मेरी साइड यहाँ पे मेरा फेस है ना, मेरे को इस साइड मतलब मेरे को जंगल जो ट्रीज है ना उधर की साइड नहीं, मेरे को मेरी साइड इसका फार्म का फेस बनाना है। तो आपको करना है सबसे पहले वहाँ पे जाना है एंड यहाँ पे कुछ ऐसे 3 ब्लॉक तोड़ने हैं एंड उसका यहाँ पे आपको 2 ब्लॉक और तोड़ने हैं। जैसे कि मैं तोड़ूंगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ वाले ये आपको यहाँ पे एक टी जैसी बना दे देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 लार्ज चेस्ट, 1 लार्ज चेस्ट लगा देने, 1 लार्ज चेस्ट लगाने के बाद आपको 3 हॉपर लगा देने चेस्ट से कनेक्ट करके। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कर लगा दिया है। इन्हें लगाने के बाद आपका फॉर्म कुछ ऐसा लगने लगेगा। फिर आप ऑब्जर्वर लेना, ऑब्जर्वर आपको कुछ ऐसे लगाना है कि जो उसका फेस है ना वो वही चेस्ट की साइड होना चाहिए एंड जो रेड डॉट है वो उसके पीछे की साइड होना चाहिए। फिर इतना करने के बाद आपका फॉर्म कुछ ऐसा लगेगा। फिर आपको उसके ऊपर एक लीवर लगा देना है, लीवर के बाद आपको पीछे आना है। फिर आपको एक बोल बनानी है जिसकी 1 ब्लॉक की हाइट होनी चाहिए एंड उसके बाद आपको उस पर डिस्पेंसर रखना है। डिस्पेंसर आपको कहाँ पर रखना है मैं आपको बताता हूँ। आपको एक डिस्पेंसर रखना है जस्ट यहाँ हॉपर के पास एंड दूसरा रखना है इस वाले हॉपर के पास एंड उसके बाद आपको एक इस वॉल को और कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको ऊपर भी एक और डिस्पेंसर रखना है, तो मैं आपको बताऊँगा वो उसको आपको कहाँ रखना है। आपको कुछ इसे ऐसे रख लेना है एंड उसके बाद आपको इसे 4 ब्लॉक की हाइट की एक वॉल बना देनी है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आपको कुछ ऐसी वॉल बना लेनी है जैसे कि आपको दिख रही होगी एंड इसके बाद आपको अपने फार्म का अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब आपको आपको साइड में आना है, साइड में आने का आपको 2 ब्लॉक की लॉन्गर एक और 4 ब्लॉक हाइट की वॉल बनानी है सेम दोनों साइड, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बना रहा हूँ एंड इस वॉल को पूरा कंप्लीट कर लेना है। आपको देख सकते हैं ये पूरी वॉल कंप्लीट हो गई है। फिर आपका फार्म कुछ ऐसा लगेगा। फिर आपको करना है ऊपर यहाँ पे एक स्टेयर्स लगा देने कुछ ऐसे करके एंड उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लॉक लगाने हैं ऊपर की साइड। तो ब्लॉक कुछ ऐसे लगेंगे जैसे कि मैं लगा रहा हूँ, तो आपको कुछ ब्लॉक ऐसे लगा देने एंड बीच वाले जो ब्लॉक है उसे आपको छोड़ देना है जस्ट लाइक दिस, जैसे कि मैंने छोड़ा है। एंड इतना करने के बाद अब आपका ये कुछ ऐसा लगेगा। फिर आपको यहाँ पे लेना है ट्रैप डोर एंड 2 ट्रैप डोर आपको यहाँ लगाने हैं एंड 2 ट्रैप डोर आपको हॉपर्स के ऊपर लगा देने हैं जस्ट लाइक दिस, जैसे मैंने लगाया है। उसके बाद आपको ग्लास लेना है एंड पूरे में ग्लास लगा देने आगे की साइड। बस आपको जो स्टेयर वाला एरिया है ना एंड ऑब्जर्वर बोर्ड स्टेयर एंड डिस्पेंसर के आगे वाले ब्लॉक है ना उन्हें छोड़ देना है एंड पूरे में इसमें लगा देने ग्लास, तो आपका फार्म कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर आपको करना है, आपका फार्म लगभग पूरा तैयार हो चुका है। फिर आपको बस उससे पहले आपको पीछे आना है। पीछे आने के बाद आपको इस वाले ब्लॉक को तोड़ के यहाँ पर रेस्टोर लगा देना है। रेस्टोर लगाने के बाद आपको दोनों डिस्पेंसर में लावा बकेट डाल देनी है जो दोनों वाले हैं। जो ऊपर वाला है ना उसमें आपको एक वाटर बकेट डाल देनी है एंड वाटर बकेट डालने के बाद आपको काउस को लाना है एंड उस ऊपर वाले होल में डालना है। आप स्टेयर्स बना सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बनाई है, तो आप भी कुछ ऐसे ही बना के इन्हें ऊपर ईजिली ला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को इस होल में डालना है इस काउ को, आप कैसे भी डाल देना वो आपकी आप देख लेना। एंड आपको इसमें कम से कम 6 या फिर 8 काउ डाल देनी है एंड फिर इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये सारे ब्लॉक्स हैं टेम्प्रेरी ने हटा देना है। टेम्प्रेरी ब्लॉक हटाने के बाद आपको यहाँ पे एक लीवर लगाना है जो कि आपके वाटर वाले डिस्पेंसर से कनेक्ट हो जाएगा। फिर जब आप इन काउ को ब्रीडिंग कराएं तब इस लीवर को ऑन कर देना ताकि आपकी सारी काउ ऊपर आए एंड आप उन्हें इजीली ब्रीडिंग करा सकें। एंड जब आपने ब्रीडिंग करा दो उसके बाद आप इसे बंद कर दें, ठीक है, इजीली। एंड आपका फार्म बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो मैं आपको बताता हूँ आपको इसे वर्क कैसे करना है। एंड देखो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो काउस हैं इन्हें थोड़ा खिला के बड़ा कर लेना या फिर आप वेट कर सकते हैं नेचुरल इनका ग्रो होने का। नेचुरल में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएंगे। फिर देखो कुछ इतनी काउ आ जाए जब आपके, तो आपको करना है इस लीवर को एक बार फ्लिक करना है एंड इसे जस्ट ऑन करने के बाद बंद कर देना है, नहीं तो भाई आपको है ना कुक बीफ नहीं मिलेगा ओनली लेदर मिलेगी। तो हमें भाई दोनों चीज़ चाहिए, तो इसलिए भाई देख सकते हैं मैंने इसे ऑन किया एंड जस्ट हाल ही इसे मैंने बंद कर दिया, जिससे क्या होगा ना मेरे को कुक बीफ भी मिलेगा एंड मेरे को लेदर भी मिलेगी जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी क्वान्टिटी का फार्म है एंड ये बहुत अच्छा फार्म है जिससे आपको लेदर एंड कुक फूड एक भी चीज़ की कमी नहीं होने वाली। तो बस भाई इस बार वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।